सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी से आज जो आप सुनेंगे ऐसी खबर सुनेंगे सचमुच दिल से आंखें भर आएंगी और दिल भी धक 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 करके सचमुच रोमांच में गौरव से सचमुच आपको गौरवान्वित करेगा। सादर जैनियत आज की शुरुआत करते हैं आपके पास सीधा कानपुर देहात के उस आईएस नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ जाता है, अंडर द टेबल जाता है, कुछ सुना नहीं जाता है, दरवाजे के बाहर खड़े रहो कोई नंबर भी आने को नहीं आता है। आज ऐसे ही एक आईएस की बात करेंगे, एक ऐसे ही आईएस महिला की बात करेंगे, आज ऐसे ही एक आईएस महिला जैन की बात करेंगे, युवा जैन महिला जिलाधिकारी कानपुर देहात, नाम है नेहा जैन। देख रहे हैं चित्र उनके आप, 3 दिन पहले की बात है, 77 वर्षीय एक बूढ़ी अम्मा, आप कहें दादी अम्मा आई उस बेटिया से मिलने, इंतजार नहीं करना पड़ा बिटिया को मिलने के लिए। जबकि जिलाधिकारी के पास जाओ तो पहले अपॉइंटमेंट लो, सुबह जाते हो तो लंच के बाद जाके कभी कोई बात लेने के लिए उनका पीए आता है, आपकी फाइल में लेता है, कहता है जाइए पर्ची ले लिए जाइए आगे। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, दादी आई उसकी आँखों में आंसू थे, उसने कांपते हाथों से एक पर्चा बढ़ाया अपनी बिटिया के नाम, बहुत दर्द भरा एक हृदय को छूने वाला पत्र है, वह भी बताएंगे आपको। उसने बताया मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है बहुत बरस पहले, 2 बेटे एक बिटिया है, मेरी जमीन थी आज मेरे बेटे के नाम हो गई है, आज मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता है, मेरे पति के नाम और जगह जमीन थी वहाँ लेखपाल, वह जमीन मेरे नाम नहीं करता है। उसकी आंसू से फबक फबक कर उसकी झुर्रियों से जो नीचे गिर रही थी अटक अटक कर आंसू, उसे देखकर नेहा जैन जो युवा बैठी थी जिलाधिकारी की कुर्सी पर, उसने कुर्सी छोड़ दी, दादी को गले लगाया और उसने कहा कि मैं कहो तो आपको वृद्धाश्रम में जाके आपकी व्यवस्था कर देती हूँ, सरकार ने आपके लिए इस तरह की व्यवस्था की है, आप कहो तो मैं आपके लिए रोटी लाती हूँ तो वह अपनी दिखाती है, रोटी मैं चटनी के साथ लाई हूँ, बस आज सब्जी दाल में उसे यही मिलती है कि चटनी से मैं खा लेती हूँ, मैं अपनी रोटी लाई हूँ बिटिया तू मेरी बात सुन ले, फफफक कर दोनों गले रोते हैं। एक बार जरा आपको पहले वह दृश्य दिखाते हैं जो आपकी आंखों में भी पानी ला देगा। अच्छा लगेगा, फ्री नहीं हो, फ्री का नहीं है, सरकार जो आप मोदी सरकार योगी सरकार को बोल रहे हो तो वही वो आपकी सरकारी हेल्प कर रही है, फ्री का कुछ नहीं है, है ना। बिस्कुट खा लीजिए, वो लेके आई रोटी लेके आई अपनी। देखा आपने, ऐसे जिलाधिकारी बहुत कम मिलेंगे आपको, सचमुच ऐसे भाव देखकर जहाँ पर दुत्कार दिया जाता हो, फटकार दिया जाता हो, क्योंकि मैं आईएएस हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ और डीएम हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब ये पर्ची कुर्सी पर लग जाती है ना, दीवार पर लिखी होती है, तो अपने भाव अपने आप आसमान में उड़ने लगते हैं। पर नेहा जैन ने जैन को इन गौरवान्वित किया, आईएएस प्रशासनिक अधिकारी को भी एक मिसाल पेश कर दी। दादी अम्मा की बात सुनी, दादी अम्मा को साथ जब पत्र पढ़ा तो फक कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस पत्र में दादी ने लिखा क्या था, पहले आपको वह पत्र दिखाते हैं। मेरी प्रिय डीएम बिटिया को मेरा बहुत बहुत प्यार एवं आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी ने निवेदन है कि कुसुम सिंह पत्नी स्वर्गीय छविना सिंह ग्राम धोकरपुर तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात की निवासनी हूँ, मेरे पति की कैंसर से मौत हो गई थी, मेरी 6-7 बीघा जमीन थी जो लड़के के नाम हो गई। प्रिय बिटिया इस समय मेरी उम्र 77 साल है, लड़का बहु खाना देना नहीं चाहते, इस बीच मुझे पता चला कि मेरे पति की कुछ ज़मीन गिरगिरदी गांव में भी है, मैं पिछले साल भोगनीपुर तहसील भी इस उम्र में गई, वहां पता लगाया कि गिरदों का लेखपाल कौन है, पता लगा कि हरी राम है, मैंने उनसे कहा कि मेरे पति की ज़मीन मेरे नाम कर दो, 1 साल से बिटिया रोज चक्कर लगा रही हूँ, पर मेरी अच्छी सी बिटिया आपसे आज मेरा अनुरोध है कि आप मेरी मदद करें ताकि मेरा काम हो जाए तो मोदी की योजना का भी लाभ मुझे मिल जाए, मुझे भी कुछ सहायता मिल जाए, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुकी हूँ कि आप
बुजुर्ग व बेघरों की बहुत मदद करती हैं। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आपकी दादी अम्मा कुसुम सिंह। पत्र पढ़ा, छलक गए दोनों तरफ से आंसू, गले लिपट के दोनों बहुत भावुकता से रोए। और फिर डीएम ने खुद अपनी गाड़ी भेज दी उन्हें वापस अपनी जगह पहुंचाने के लिए और विश्वास दिला दिया, माताजी अब तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं वहाँ लेखपाल से भी कहूँगी और अगर तुम्हारे बेटे ऐसे निकले हैं तो मैं तुम्हारी व्यवस्था पूरी तरह वृद्धाश्रम में कर दूँगी। उन्होंने नहीं लिया डीएम से खाना, वो अपनी रोटी लाई थी, सूखी रोटी जो बिल्कुल सख्त थी और उसे चटनी से वे खाती खाती रोती जा रही थी। दर्द भरी दास्तान जिसे देखकर हर जो वहाँ पर, यह था जन सुनवाई का समय जब लोग वहाँ आ रहे थे, हर किसी की आंखों में आंसू थे और हर कोई हल्की हल्की तालियां बजा रहा था जब आईएएस नेहा जैन ने उसे गले लगाकर इस तरह से संबोधित किया। बांसवाड़ा के अंजना गांव, ये कहानी है। सुनाए नती माता जी आरिका आचार्य श्री सुंदर सागर जी की सुशिष्या, देख रहे हैं वे गाय को संबोधित कर रही हैं पाटीदार के पास। पिछले कुछ दिनों से गाय कुछ भी नहीं ले रही थी और फिर हैरान थी, बस मरणा सनिवस्थी में थी। कहते हैं संतों का मंत्रों का क्या प्रभाव होता है, आज आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह माताजी संबोधित कर रही हैं। नमोकार मंत्र सुना रही हैं, गाय को कमंडलू से जल दे रही हैं। गाय जो अब तक मरणासन थी, कुछ भोजन नहीं ले रही थी, पानी तक नहीं ले रही थी, कमंडलू से जब माता जी ने छिड़क कर पानी दिया, उसने जीभ निकाल कर पीना शुरू किया। दृश्य देख रहे हैं आप। और फिर कहा जाता है 5 मिनट के इस मंत्र की भक्ति शक्ति और तपस्या शक्ति से, संतों की कृपा से, गाय ने पानी पी के बाद उठ खड़ी हुई, भोजन लिया और यह 2 दिन पहले की घटना, गाय आज बिल्कुल स्वस्थ है। यह कोई चमत्कार नहीं है, पर जब दिखता है आज पाटीदार सचमुच माता जी के नतमस्तक है, जो उसने कहा कि ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अंतिम रूप में गाय थी आज वह खर कर पूरी तरह स्वस्थ खड़ी है। सुषमा जैन जी, 13 मई को देवलोक गमन हो गया, जानकारी दी हमें शक्तिनगर से सुनील जैन जी ने, उनके छोटे भाई। बड़ी बहन वैसे स्वस्थ थी लेकिन 10-12 दिन से आईसीयू में थी। अपने भाई से 1 साल पहले ही कह दिया था, अगर मेरी किसी कारण मृत्यु हो जाए तो मेरी देह को दान दे देना, मेरे नेत्रों को, मेरे जो भी अंग हो उनकी दान कर देना, यह कुछ सर्टिफिकेट उसके प्रमाण कर रहे हैं। जैसे ही 13 को देवलोक हुआ, दोनों नेत्र निकाली। कहते हैं एक बार एक जीव था वो 2 को रोशनी देकर चला गया, उनसे आँख ली और 2 को जीवन दे दिया, देह भी दान दे दी। यह है जीवन। कहते हैं मरने के बाद भी हम अपने जीवन को यहाँ पर जीवित रख कर जाते हैं। ये एक संयोग इसलिए बताया आपको कि मृत्यु के बाद भी हम इस संसार में कुछ और को जीवन और ज्योति देकर जाएं और बिल्कुल उनको भी एक इस दुनिया में जीने का सुअवसर प्रदान करें। इन्हीं भावना के साथ फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।